आइए अब हम शुगर सिरप बनाते हैं, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम शुगर लिया है और उसमें 400 ml पानी डाला है। ये मैंने पतीले में डाल के रखा है, तो इसका पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। ये हमारा शुगर सिरप बनके तैयार हो गया है। इसे हमने शुगर को मेल्ट होने के बाद 5-7 मिनट के लिए उबाल के लिया है। इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए उसकी, ज़्यादा ठीक कंसिस्टेंसी का नहीं चाहिए। अब हम ये हरी इलायची का पाउडर इसमें डाल सिरप को हमें ठंडा करना है और गुलाब जामुन फ्राई होने के बाद उसमें डालना है। अब मावे को हमें ग्रेटर से ग्रेट करके लेना है। ये प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इससे उसमें लम्स नहीं रहते और गुलाब जामुन एकदम अच्छे से बनते हैं। ये प्रोसीजर हमें 3 बार करनी है। ये हमारी 3 बार ग्रेट करने की भी प्रोसीजर पूरी हो गई है। अब हम इसमें ये आरारोट डालते हैं। आरारोट को मैंने छाननी से छान के लिया है। अब मैं ये इसमें मिक्स करती हूँ। इसका हमें डो बनाना है, स्मूथ डो बनाना है उसका। ये हमारा मावे का डो तैयार हो गया है। इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आइए हम गैस पे ऑयल गरम करने के लिए रखते हैं। जब तक कि हमारे मावे के बॉल्स तैयार हो रहे हैं, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। छोटे छोटे बॉल्स हमें बनाने हैं। हमने सब बॉल्स बना लिए हैं। ये अराउंड 65-70 बॉल्स बनते हैं आधा केजी मावा में। अब हम इसे ऑयल में फ्राई करके लेते हैं। आठ 10 बॉल में डालते हैं। गैस का फ्लेम कम रखना है और धीमी आंच पे उसे फ्राई करना है। ये हमारे गुलाब जामुन फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। हम इसे निकाल लेते हैं। ये बाकी के बॉक्सेस में डालते हैं ऑयल में। धीरे धीरे बॉल्स का कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये अब हमारे बॉल्स कलर है, तो देखो कितना अच्छा कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से अभी सभी बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैंने दिखा देते हैं। ये हमारे गुलाब जामुन के सभी बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब ये हमारा शुगर सिरप है, इसमें हम इसे सोक करने के लिए डालेंगे। हमारा शुगर सिरप जो है वो पूरा ठंडा नहीं है, उसे हल्का सा गर्म रखा है। इसे हमें 4-5 घंटे के लिए सोक करके रखना है। ये हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। ये देखो आप, कितना जूस उसके अंदर तक है, इतना सॉफ्ट और जूसी बने हैं।
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।